हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। ओके स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? नेक्स्ट, हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट? नेक्स्ट, ट्राई दिस एंड राइट। ड्रॉप सम शुगर जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल द एंट्स कम देयर। जैगरी मीन्स गुड। ओके, डू इट योर सेल्फ। आप इसको ट्राई कीजिए। कुछ भी मीठा, मीठे का टुकड़ा नीचे गिराइए और वेट कीजिए। आप वॉच कीजिए कि चींटियाँ कितने मिनट में उस मीठे पर आती हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम? नेक्स्ट, Did one ant come first or a group of ants come together? What did the ants do with the food? Where do they go from there? Do they move in a line? Let's see the answer, student. Okay, student. First of all, आपको copy पर chapter first, super senses, then date लिखनी है. Okay? एंड डेली डेट वाइज होमवर्क अपना कंप्लीट करना है। ओके, फर्स्ट थिंक एंड टेल। हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? एक चींटी कैसे पहचानती है कि वो जो दूसरी चींटी है वो उनके ग्रुप की नहीं है? लेट्स सी द आंसर। एंट्स कैन सी, चींटियां देख सकती हैं, स्मेल स्मेल कर सकती हैं, एंड हियर सुन सकती हैं, लाइक अस। एंट्स कैन सी, स्मेल एंड हियर लाइक अस। द एंट यूज इट्स सेंसेस। एन एंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड, इट सॉ अ ग्रुप ऑफ एंट बिकॉज ऑफ सेंसेस एंड केम टू नो दैट अदर एंट डिड नॉट बिलोंग टू इट्स ग्रुप। ओके, जो चींटियां हैं वो देख सकती हैं, स्मेल कर सकती हैं, सुन सकती हैं। ओके, उनमें भी सेंसेस रहते हैं और मोस्टली वो स्मेल करके पहचान लेती हैं कि वो जो दूसरी एंट है कि वो उनके ग्रुप की नहीं है। ओके, नेक्स्ट, यस, हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज द एंट? आंसर, द गार्ड एंट स्मेल्ड एंड रेकोगनाइज हर। ओके, स्मेल करके उसको रेकोगनाइज कर लेता है। ओके, नेक्स्ट, ट्राई दिस एंड राइट। ड्रॉप सम शुगर जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, वेट अंटिल एंट कम देयर। हाउ लॉन्ग डिड टेक फॉर द एंट टू कम? आपने ट्राई किया। About 15 to 20 minutes for ant come near to sugar. Okay, 15 से 20 मिनट लगते हैं चींटियों को खाने के पास आने के लिए। ओके, डिड वन एंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट्स केम टूगेदर? ओनली वन एंट केम फर्स्ट एंड afterwards more followed her. Okay, next, what did the ants do with the food? जो चींटियाँ रहती हैं वो खाने के साथ क्या करती हैं? Ant take the food to their hole. आपने देखा होगा कि चींटियाँ जो अपना खाना है कहाँ पे ले जाती हैं? अपने होल में ले जाती हैं। Next, where do they go from there? दे वेंट टू देयर होल। वो कहाँ चली जाती हैं? अपने होल में चली जाती हैं। नेक्स्ट, डू दे मूव इन अ लाइन? क्या वो लाइन में चलती हैं? येस, दे मूव्ड इन अ लाइन। आपने देखा है क्योंकि अपने घर में देखा होगा चींटियाँ बिल्कुल लाइन में चलती हैं। कभी कभी दीवारों पे भी आपने देखा होगा घर में। अभी तो गर्मी आ गई है, बहुत सारी एंट्स दिखती होंगी, वो हमेशा लाइन में चलती। येस, दे मूव्ड इन अ लाइन। ओके, ओके, नेक्स्ट, नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंट ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ
while with the pencil. Now observe how do the ant move. Okay, अब आपको क्या करना है, अपनी पेंसिल से जो आंट्स हैं बिना उनको हार्म पहुंचाए उनका जो पाथ है, रास्ता है जो, उसको ब्लॉक करके देखिए तो आंट कैसे मूव करते हैं, ऑब्जर्व कीजिए. ओके, आंसर, आंट स्टिल मूविंग ऑन द लाइन ओवर द पेंसिल. जो आंट्स हैं वो पेंसिल के ऊपर से लाइन बनाते हुए निकल जाएंगी. ओके स्टूडेंट, आज हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए. आपको बहुत ही सुंदर राइटिंग में नोटबुक में इसको कंप्लीट करना है और डेट वाइज जिस डेट के हैं वो डेट लिख के आपको करना है. ओके स्टूडेंट, यस, नाउ टाइम टू से बाय 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 स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे.